Hi friends, this is Dr. Mayank Arora, Donveda Healthcare Center से. आज अपनी पहली वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ. वीडियो का टाइटल है Erectile Dysfunction. बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल की जनरेशन का. इवन मैं कह सकता हूँ कि ओल्डर जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है. क्या कारण है इसके, कैसे इसको ठीक किया जाए, हम लोग इस बारे में आज बात करने वाले हैं. सो शुरू करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ से आती है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है. प्रॉब्लम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग स्वस्थ खाना ना खाने के कारण, चलना फिरना कम करने के कारण, बिकॉज सबके पास गाड़ियाँ हैं, सबके पास बाइक्स हैं, स्कूटीज़ हैं, हम लोग पैदल बिल्कुल ही नहीं चल पाते. तो मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जितना हो सके पैदल चलें, वॉक करें, अच्छा खाना खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स का इंटेक अपनी डाइट में ज़रूर रखें, रोज़ एटलीस्ट 3-3.5 लीटर पानी ज़रूर पीजिए. सो ये चीज़ें हैं, आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कीजिए, ओवरऑल बॉडी में आपका फ़र्क पता चलेगा. अब कैसे पता चलता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है और मुझे है या नहीं. इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक पीनिस का इरेक्ट ना होना. सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे अगर बात करूं तो कोई भी हम लोग पॉर्न क्लिप या कुछ सेक्स कंटेंट या मैं अपने पार्टनर के पास जा रहा हूं और मैं अपने पीनिस में इरेक्शन महसूस नहीं करता, लिंग का टाइट होना. मैं आपको थोड़ा सा इस डायग्राम के थ्रू बताना चाहता हूं. ये हमारा मेल पीनिस फॉर्म है और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा इरेक्टाइल टिश्यूज़ है. अब इसका काम है कि अपने अंदर खून को सोख लेता है. जब भी अपने अंदर खून को सोख लेता है तो हमारा पीनिस टाइट हो जाता है. सिंपल लैंग्वेज में हमारा लिंग, जब यहाँ पे खून भर जाता है इन टिश्यूज के अंदर, तो हमारा लिंग टाइट हो जाता है. जिसके होने के बाद आप अपने पार्टनर के करीब जा सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं सक्सेसफुली. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? बहुत से लोग ऑन द काउंटर, ओवर द काउंटर मेडिसिन लाइक वायग्रा वगैरह जाते हैं, ले लेते हैं, खाते हैं, उस टाइम उनका इरेक्शन आ जाता है. चलें ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में वो भी उनका इरेक्शन आना बंद हो जाता है. बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके, उसका हार्ट पे इम्पैक्ट, उसका किडनीज पे इम्पैक्ट. तो ओवर अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल उसको लेना बंद कर दीजिए. सो दूनवेदा हेल्थ केयर में हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? हमारा 2 महीने का एक ट्रीटमेंट रहता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का. उस 2 महीने के टर्म को मैं 15-15 दिन में 4 बार डिवाइड करता हूँ. मान लीजिए आप मेरे पास आए, मैंने आपको डायग्नोस किया, मैं आपका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहता हूँ एंड यू आर ऑल्सो फाइन विद द ट्रीटमेंट. मैं आपको इनिशियल 15 दिन की एक दवाई देता हूँ. दवाई स्टार्ट करने के 10वें दिन 10th डे आप मेरे पास आएंगे. अब उस दिन करेंगे क्या हम लोग? उस दिन सिंपल सा एक काम है, 30 मिनट मैं आपसे लूँगा. उस दिन 30 मिनट के सेशन में मैं आपके पेनिस को एक वैक्यूम पंप के जरिए, पहले मैं आपके इरेक्टाइल टिश्यूज को स्टिमुलेट करूंगा एक आयुर्वेदिक ऑयल से जो स्पेशली हम लोग खुद बनाते हैं, हमारा अपना नुस्खा है. इरेक्टाइल टिश्यूज को हम लोग स्टिमुलेट करते हैं. स्टिमुलेट करने के बाद एक ऐसा वैक्यूम पंप रहता है, उसमें हम लोग हवा के दबाव से पीनिस को स्ट्रेच करते हैं ताकि आपके इरेक्टाइल टिश्यूज जो ऑपरेशनल नहीं हैं उनके अंदर भी खून का सर्कुलेशन दोबारा से चालू हो जाए. तो ये प्रक्रिया अगले 2 महीने तक चलती है और इतना एश्योरेंस मैं दे सकता हूँ कि कोई भी इंसान जिसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन से जो पीड़ित है, जहाँ पे उसको 4-5 साल हो गए, 10 साल हो गए, इरेक्शन नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ 15 दिन चाहिए आपके, 15 दिन के अंदर मैं इरेक्शन ला के दूंगा आपको, सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों के थ्रू जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है. दूनवेदा की बात करें, बहुत ही पुराना क्लिनिक है, 1936 में ओपन हुआ था, आज इंडिया में 6 ब्रांचेज हैं हमारी. सो कभी भी ये नहीं कहूँगा कि 2 महीने का ट्रीटमेंट कराएं उसके बाद पता चलेगा रिजल्ट आता है नहीं आता. नहीं, 15 दिन दीजिए, रिजल्ट एश्योर्ड करता हूँ रिजल्ट आएगा. ये मेरी पहली वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी और भी वीडियोस आएंगी. मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पेनिस साइज, क्या मेरा साइज ठीक है या नहीं, तो इस टॉपिक पे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे. आपकी मेरी इसी वीडियो में मेरा एक लिंक रहेगा जिसमें मेरी वेबसाइट, आप जा सकते हैं, आप उसके थ्रू मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं. एज सून एज आई विल बी फ्री, मैं आपके मैसेजेस का पर्सनली रिप्लाई करूँगा.
सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।